ओम शांति आप सबको स्वागत है आज के ईश्वर वरदान में। आज का मतलब ये 13 अगस्त का ईश्वर वरदान है जो कि हम इसकी चर्चा करेंगे, जो कि हमने मिस किया था क्योंकि मैं अपनी माताजी के साथ में हॉस्पिटल में था और उनका बहुत ही सक्सेसफुल स्पाइन सर्जरी हुई है आप सबकी दुआओं के कारण, और वो हर दिन बेहतर होती जा रही है आपकी दुआओं के कारण और परमात्मा की दुआएँ तो हैं, उनके साथ में सहयोग है, सपोर्ट है। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं आज के 13 अगस्त के वरदान में। परमात्मा कहते हैं फ्राक दिल बन, फ्राक दिल मतलब बहुत बड़ा दिल, बन अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता बाबा। लेकिन जब तक होगा नहीं तब तक देंगे कैसे? और यहाँ पे खजाने कौन से, धन के खजाने हैं या ज्वेलरी या धन दौलत, इसके बारे में बात नहीं हो रही है, ये अलग खजानों की बात में बात हो रही है जिसको हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कह रही हैं। तो ये सारे खजाने ऐसे हैं जिनको आप जितना दोगे, जितना बांटोगे, ये उतना बढ़ते जाते हैं। आप किसी को प्रेम दोगे और प्रेम बढ़ता जाएगा, खुशी दोगे और खुशियाँ बढ़ती जाएंगी, सुख दोगे और सुख बढ़ता जाएगा, आनंद दोगे और आनंद बढ़ता जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। अपने आपको मानते हो आप कि आप मास्टर दाता हो, परमात्मा मास्टर दाता का पिता और हम हो गए मास्टर दाता के बच्चे। किसी से कुछ लेकर फिर देना, यह देना नहीं है, लिया और दिया तो ये बिजनेस हो गया, जो कि हम करते हैं ना इस दुनिया में, ये तो चलता है। किसी से मिला गिफ्ट एनिवर्सरी पे, ये इसको खोलो मत, पैक रखो इसको, किसी और को देने के काम आएगा, लिया और दे दिया। परमात्मा कहते हैं दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। देना क्या है? अखूट खजाना है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। वो गिफ्ट तो एक है, दे दिया किसी को, ख़त्म हो गया, लेकिन ये ऐसे खजाना है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, जो कि आप मेडिटेशन से ले सकते हो और औरों को दे सकते हो। तो ये ऐसे खजाने हैं जो कि आप छू नहीं सकते, प्रेम, सुख, आनंद, खुशी, शक्ति, ये आप छू नहीं सकते हो। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ, अखूट खजाना है जिसको जो चाहे वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो, पर देने के लिए होना चाहिए ना। खुद उदास बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ गलत बात करी, नेगेटिव बातें करी, आपने भी हाँ में हाँ मिला करके वो बातें करनी शुरू कर दी, कहाँ आपने शांति दी, कहाँ आपने खुशी दी, कहाँ आपने उसको सुख दिया? आपको तो सोच से निकालना चाहिए था, लेकिन आपने दिया उसको उल्टा नेगेटिव, तो आपने खजाने नहीं दिए, आपके उससे खजाने कम कर दिए। आपने खुद भी दुखी हुए, उसको भी दुखी बना दिया, खुद भी चंचल हुए, उसको भी चंचल बना दिया, खुद भी डिप्रेस हुए, उसको भी डिप्रेस बना दिया, खुद भी दुनिया को कहा कि बिल्कुल गंदी दुनिया, और खुद भी गंदे बन गए और औरों को भी गंदा बना दिया। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम ये करना बंद करें, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को परिवर्तन करेंगे। और जब अपने आप को परिवर्तन करेंगे और भरपूर कर लेंगे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति से, तब आप कुछ दे पाओगे किसी को, नॉन फिजिकल, अखूट, बेअंत। लेकिन जो चीज़ें हमारे आस पास हैं वो तो अंत हो जाता है, वो बेअंत नहीं। परमात्मा कहते हैं इसलिए ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। जो हिसाब किताब के खाते होते हैं किसी के साथ में, आपको कुछ लेन देन है पिछले जन्मों का, तो धन आपका 1 लाख 2 लाख 10 लाख देना था, दे दिया, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ परमात्मा तो देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, क्योंकि परमात्मा के साथ में हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, वो अखूट है, नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो। इसमें कंजूसी नहीं करो, इसमें भी अगर कंजूसी करती तो क्या चीज़ रहेगी हमारे पास में, ना खुद भरपूर हुए, अकेलापन महसूस हुआ, खालीपन महसूस हुआ, और हम और कुछ दे भी ना पाए। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि हम मेडिटेशन सीखें, उनसे जुड़ना सीखें, बेअंत शक्ति को पालें और बेअंत शक्ति औरों को बांटें, चाहे ज्ञान हो, चाहे खुशी हो, चाहे सुख हो, चाहे आनंद हो, सब कुछ देते जाएँ। यही राज है स्वयं खुश रहने का, संतुष्ट रहने का। इसके साथ आपको ओम शांति।